हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक टेक वीडियो है और इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ एलजी के वॉशिंग मशीन का, जो कि 6.2 केजी की टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले चलिए इसकी कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और अगली वीडियो मिस ना हो आपसे। इस वॉशिंग मशीन का मॉडल है T7288NDDLA एंड यहाँ देख सकते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड 6.2 केजी। इसकी MRP है 17,990 रुपीज़ और वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर दिस वॉशिंग मशीन इज 220 वोल्ट। ब्लू वाइट कलर का ये वॉशिंग मशीन है और इसके अंदर ये बताया गया क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है आपको, ये सारी डिटेल्स दी गई है यहाँ पे। और ये टोल फ्री नंबर है, इन केस यू फाइंड एनी इशूज़ यू कैन लॉग योर कंप्लेन टू दिस नंबर। चलिए अब इस वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं इस वॉशिंग मशीन का फर्स्ट लुक। सो बहुत ही नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है। तो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ अनबॉक्सिंग, फीचर एक्सप्लेनेशन, 360 व्यू ऑफ दिस वॉशिंग मशीन, इनर एंड आउटर व्यू एंड सारी डिटेल्स जो रिक्वायर्ड है। डेमोस्ट्रेशन के लिए LG कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पर विजिट करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट डेमोस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे और सारी डिटेल जितनी भी रिक्वायर्ड है वो आपको बताएंगे कि इस वॉशिंग मशीन को कैसे चलाना है, किस तरह से मेंटेन रखना है। ऑटो रीस्टार्ट मैकेनिज्म दिया गया है और स्मार्ट इन्वर्टर मोटर लगा है इस वॉशिंग मशीन में, जिस मोटर पे हमें 10 ईयर्स की वारंटी मिलती है। मैं आपको पहले 360 व्यू दिखा देता हूँ इस वॉशिंग मशीन का। और ये इस वॉशिंग मशीन का बैक साइड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटर इनलेट है जहाँ आपका पाइप कनेक्ट होगा इस जगह पे जाकर, एंड ये पावर केबल देख सकते हैं आप। ये ड्रेनेज के लिए जगह दिया गया है, ये ड्रेनेज पाइप यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी इस जगह पे जाकर, वाटर ड्रेनेज पाइप। और इस वॉशिंग मशीन का टॉप आप देख सकते हैं, दिस इज टॉप ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो ये इसका लुक है, दिस साइड इज ट्रांसपेरेंट। और एक बहुत अच्छा फीचर है इस वॉशिंग मशीन का, आप देख सकते हैं जब इसके पैनल को आप क्लोज़ कर रहे हैं तो एक बार ना जाके धीरे धीरे क्लोज़ हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। स्मार्ट इन्वर्टर 6.2 केजी एंड डायमंड ग्लास। और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं क्या लिखा है। बेसिकली जस्ट ए ब्रीफ, मैं आपको ये बता दूँ इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब भी आप कपड़े को इस वॉशिंग मशीन में डालें धुलने के लिए तो मेक श्योर कि सारी जो पॉकेट्स है वो इम्पटी हो, उसमें कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स ना हो। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स मीन्स कुछ भी की चेन वगैरह या कॉइन्स वगैरह ना हो, ये बेसिकली ये डैमेज कर सकती है आपके वाशर एंड क्लॉथ्स को। एंड इनर वाटर सप्लाई विल स्टॉप, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से इसको रेगुलर क्लीन कर रहे हैं, ओपन इनलेट होज एंड क्लीन फिल्टर रेगुलरली। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो इनलेट होज है यहाँ पर, इनलेट पाइप जहाँ लगे यहाँ पर एक फिल्टर लगा है, उसको क्लीन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफ्टी टेम्पर्ड ग्लास, तो ये ग्लास बेसिकली टेम्पर्ड ग्लास है। मैं आपको अब पैनल दिखाता हूँ, कंप्लीट डिटेल बताता हूँ पैनल के बारे में। दिस इज टर्बो ड्रम विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, सो ड्रम जो है इसका वो टर्बो ड्रम है। और ये इस मशीन का पावर बटन है और ये बटन आप देख सकते हैं, ये स्टार्ट एंड पॉज बटन है। और मैं सारे डिटेल को वन बाई वन दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ देख सकते हैं आपके कुछ वॉश के प्रोग्राम दिए गए हैं, नॉर्मल, जेंटल, क्विक वॉश एंड स्ट्रॉन्ग। और प्रोग्राम टू में दिया गया प्री वॉश प्लस में नॉर्मल, एक्वा रिजर्व, फेवरेट एंड ड्रॉप क्लीन। सो बेसिकली प्री वॉश मीन्स आप वॉश करने से पहले अगर कुछ आपको करना है, जैसे कभी टब क्लीन करना हो तो आप इसे चला के यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम को इस बटन को मल्टीपल टाइम्स आप प्रेस कीजिएगा, ये सिलेक्ट होते चला जाएगा वन बाई वन। नॉर्मल, अगर नॉर्मल क्लॉथ को वॉश करना है। जेंटल मीन्स वुल और साड़ी अगर है तो उसे जेंटल वॉश की ज़रूरत है, वो जेंटल वॉश पे सिलेक्ट कर लें इसे एक बार दबाकर। क्विक वॉश मीन्स इफ़ यू वांट, मतलब अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे ना हो तो क्विक वॉश सिलेक्ट करके इसे रन कर लें। स्ट्रॉन्ग मीन्स जींस वगैरह है तो आप इसे स्ट्रॉन्ग पे सिलेक्ट करके रन करें। यहाँ पे आप स्पिन बटन देख सकते हैं, हाई, मीडियम, लो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और ये रिंस है 1, 2, 3 टाइम्स, वॉश इज 3, 6, 10, 15 एंड दिस थिंग। एंड वाटर लेवल, अगर आपका कपड़ा कम है तो आप वाटर लेवल कम रखें।
कम वाटर की ज़रूरत पड़ेगी और कम वाटर वेस्ट होगी, मीन्स लाइक अगर बीपर है हाई लो, मीन्स लाइक अगर बीपर आप चाहते हैं तो। और ये LED डिस्प्ले है और दिस इज़ डिले, मीन्स अगर आप इसे डिले पे प्रेस कीजिएगा तो आप जो प्रोग्राम है उसके वास्ट टाइम को आप डिले कर दीजिएगा। अब चलिए मैं क्विकली आपको इनर व्यू दिखाता हूँ इस वॉशिंग मशीन का। यहाँ पे भी कुछ बेसिक गाइडलाइन दी गई, गाइडलाइंस फॉर स्मूथ ऑपरेशंस एंड सम कॉमन एरर्स। ये कॉमन एरर्स हैं जो मीन्स लाइक यूजुअली आप कभी कभी फेस करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ये पढ़िएगा तो आपके वो कॉमन एरर्स आप खुद ब खुद रिजॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको इनर साइड दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये इनर ड्रम। तो इनर ड्रम देखने से पहले मैं क्विकली आपको सारी एसेसरीज दिखाता हूँ, क्या क्या एसेसरीज मिलती है। मैं आपको वन बाई वन सारी एसेसरीज के बारे में बताता हूँ। ये आपका ड्रेनेज पाइप है, तो ड्रेनेज पाइप के साथ एक रिंग दिया गया, दिस इज़ बेसिकली लॉक। तो ये लॉक जो है सो इसमें जाके फिक्स हो जाएगी। और ये आपको इसे मैंने आपको पहले ही बताया था कहाँ फिक्स करना है, ये आप इस जगह पे फिक्स करेंगे, यहाँ लगा के आप इस लॉक के थ्रू जो है सो इसके थ्रू आप इसे लॉक कर देंगे। दिस इज़ इनलेट पाइप, जो ये पाइप है वो यहाँ कनेक्ट होगी ये होज इनलेट में। ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला जो है तो आपके टैप में कनेक्ट हो जाएगा ये वाला। एंड एक डेमो किट दिया गया सर्फ का, ये एरियल की तरफ से है। एंड दिस इज़ योर रैट प्रोटेक्टर। ऐसा अक्सर देखा गया है कि वॉशिंग मशीन की जो वायरिंग है वो कट कर देते हैं रैट चूहे वगैरह आपके घर में, तो ये रैट प्रोटेक्टर दिया गया है। ये आपके बॉटम में फिक्स हो जाएगा। एंड ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड वारंटी पेपर है, मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। और एक आप देख सकते हैं कि लीफलेट दिया गया है, बेसिकली दिस इज़ क्विक रेफरेंस गाइड फॉर टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। दिस विल हेल्प यू टू सेट अप एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। सारी डिटेल्स यहाँ दी गई है कि चेकिंग बिफोर वॉशिंग, प्रिपरेशन बिफोर वॉशिंग एंड यूजेस कैसे करने हैं। तो आप अगर इसे पढ़ लेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ़ दी थिंग्स जो क्लेरिफिकेशन है वो डाउट इसे क्लियर हो जाएगा। आप इजीली इसके थ्रू जो है सो ट्रबल शूट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ यहाँ दी गई है, कैसे वाटर इनलेट पाइप को कनेक्ट करना है, किस तरह से होस पाइप को, ड्रेनेज पाइप को कनेक्ट करना है। एंड अगेन एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है, ऑनर्स मैनुअल। एंड ये सारी डिटेल्स इसमें भी दी गई है, बेसिकली यहाँ कंप्लीट डिटेल है पूरा डिटेल्ड व्यू में। एंड दिस इज़ क्विक गाइड। एंड इसके पीछे वारंटी पेपर आप देख सकते हैं इस कंपनी का, दिस इज़ वारंटी कार्ड। तो 2 ईयर्स की कंप्लीट वारंटी मिलती है इस प्रोडक्ट पे और 10 ईयर्स वारंटी ऑन मोटर। और यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल की जाएगी रिटेल आउटलेट की तरफ से, तो मेक श्योर जहाँ से भी परचेज करें कंप्लीट डिटेल्स यहाँ फिल करवा लें। दिस विल हेल्प यू टू गेट वारंटी ऑन दिस प्रोडक्ट वेरी इजीली। आप यहाँ इनर व्यू देख सकते हैं इस वॉशिंग मशीन का। ये कंप्लीट ड्रम जो है, ये कंप्लीट ड्रम जो है सो स्टील का है। और ये डिटर्जेंट पाउडर का सेक्शन है, यहाँ पाउडर डाल के आप इसे क्लोज कर दें। एंड एक यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स देख रहे होंगे आप, बेसिकली जब कपड़े क्लीन होते हैं तो यहाँ पे जाके सारी गंदगी इसके अंदर डस्ट जमा हो जाती है, जो लिंट्स वगैरह होते हैं कपड़े के, तो आप इसे ओपन करके इसे यूज क्लीन कर लें अच्छी तरह से। एंड अंदर का व्यू आप देख सकते हैं, मैं 360 व्यू दिखा रहा हूँ अंदर का। ये अंदर इनर व्यू है इस वॉशिंग मशीन का। क्विकली आपको दिखाता हूँ कि जो ये आपने रिमूव किया था उसे क्लीन कैसे करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ओपन का सिंबल है यहाँ पे, आप इसे ऐसे पकड़ के इस तरह से कुछ हटाएं और ये जो मैट है वो पूरा क्लीन करना है आपको। जब ये आप ओपन कर लेंगे इस तरह से, फिर इसको क्लीन कर लें और इसे लॉक कर लें। इसे क्लीन करने के बाद आप कुछ इस तरह से फिक्स करें, जैसा आपने ये ऊपर ये ऐसे जाके फिक्स हो जाएगी, ये लॉक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वॉशिंग मशीन। ओवरऑल दिस वॉशिंग मशीन इज़ लुकिंग गुड एंड क्वालिटी वाइज ऑल्सो LG इज़ नोन फॉर देयर क्वालिटी। सो ये वॉशिंग मशीन अच्छी है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू परचेज यू कैन कंसिडर दिस वॉशिंग मशीन टू। एंड
अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं रिवर्ट करूँगा उस क्वेरीज पे। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो लोग वॉशिंग मशीन परचेज़ करना चाहते हों। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।